नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप जो स्ट्रिंग करते हैं या फिर आप जो है ऑपरेटर डिस्क्लोजर करते हैं तो आपको जो है कुछ एरर प्रॉब्लम शो करते हैं जिससे आपको जो है आगे प्रोसेस नहीं हो पाते। तो उस कंडीशन में आपको जो है क्या करना चाहिए और ये प्रॉब्लम जो है कैसे ठीक करते हैं इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन फेल ड्यू टू नेटवर्क एरर स्ट्राइक लेटर। यहाँ पर आपको जो है इसे क्लोज करके भी यहाँ पर आपके सिस्टम को भी रिस्टार्ट करके फिर से करते हैं तो भी यही प्रॉब्लम शो करते हैं। तो इस कंडीशन में आपको जो है करना क्या है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है हमें बार बार करने के बाद भी हमारा जो है वेज प्रॉब्लम शो कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है, अपने जो है पोर्टल को जो है फिर से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको जो है यहाँ पर आपको जो है सर्विस ओपन कर लेना है। सर्विस ओपन करने के बाद आपको जो है आधार के जितने भी सर्विस होंगे आपको जो ऊपर में जितने चार सर्विस हैं इन चारों सर्विसों को आपको जो है बारी बारी सभी सर्विसों को जो है स्टॉप कर देना है। सभी सर्विसों को स्टॉप कर देने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जो है अपने आधार सॉफ्टवेयर पे आपको जो है राइट क्लिक करना है। जैसे आप अपने आधार सॉफ्टवेयर पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन फाइल लोकेशन आप देख सकते हैं, ओपन फाइल लोकेशन इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर इस प्रकार से शो करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे सीड, यहाँ पर आप देखेंगे सीट जो शो कर है इस पर जो है आपको डबल क्लिक करके ओपन कर देंगे। जैसे ओपन करेंगे यहाँ पर आपको जो है नए वर्जन शो करेगा। अगर यहाँ पर आपको जो है 180/0 यहाँ पर आपको वर्जन शो करेगा तो यहाँ पर उसकी जगह यहाँ पर आपको जो पुराना वर्जन होगा यहाँ पे डाल देना है। अगर पुराना वर्जन नहीं होगा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आपको जो है कॉपी डाउनलोड करके यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कॉपी पेस्ट करेंगे उसके बाद आपको जो है विनार फाइल होगा उस पर आपको जो है राइट क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है विंडो 11 और विंडो 10 में थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ा डिफरेंट है। मैं किस प्रकार से करेंगे ये दोनों तरीका आप देखेंगे। सबसे पहले आपको जो है जैसे आप विनार फाइल पे जैसे राइट क्लिक करेंगे तो विंडो 10 में एक्सट्रैक्ट फाइल शो होता है और विंडो 11 में एक्सट्रैक्ट ऑल शो करते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। विंडो 10 में आपको जो है जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक्सट्रैक्ट फाइल शो करेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से टॉपअप ओपन होगा और यहाँ से आपको जो है सी ड्राइव पे सिलेक्ट कर देंगे। जैसे सी ड्राइव पे सिलेक्ट करेंगे आपके सामने जो है इस प्रकार से आपको जो है देखेंगे UID अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आपको सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको जो है जैसे सिलेक्ट करेंगे आपके सामने आधार एनरोलमेंट क्लाइंट फिर से सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से टॉपअप ओपन होगा और यस टू ऑल पे क्लिक कर देंगे। जैसे यस टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर जितने भी पुराने वर्जन जो है एक्सट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर पूरे एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको जितने भी आधार सर्विस होंगे उनको फिर से स्टार्ट कर देंगे। विनार फाइल पे आपको जो है राइट क्लिक कर देंगे। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑल, जो एक्सट्रैक्ट ऑल शो कर रहा है उस पर आपको जो है क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो इस प्रकार से टॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ पर टॉपअप ओपन होगा उस पर आपको जो ब्राउजर पे आपको जो क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से शो करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर में UIDI अथॉरिटी यहाँ पर जो शो करे इस पर आपको जो क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो फोल्डर शो करेगा आधार एनरोलमेंट क्लाइंट, उस पर आपको जो है सिलेक्ट कर देंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर नीचे देखेंगे सिलेक्ट फोल्डर, आपको जो सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको सामने इस प्रकार से फिर से टॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर आपको जो है नीचे देखेंगे एक्सट्रैक्ट, इस पर आपको जो है क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो पुराना वर्जन है एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन यहाँ पर आपको शो करेगा, उस पर आपको जो फिर से रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो है नए वर्जन के ऊपर आपको जो पुराना वर्जन है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे हमारा जो है नए वर्जन के ऊपर में हमारा जो 167 हमारा जो पुराना वर्जन है यहाँ पर हमारा जो एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया है। एक्सट्रैक्ट पूरा होने के बाद यहाँ पर आपको जो ओपन होता है सभी को आपको जो क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आपको जो फिर से अपने जो सर्विस पे जितने भी आधार सर्विसों को स्टॉप किए थे उन सभी सर्विसों को फिर से आपको जो है स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर आपको सभी सर्विसों को स्टार्ट कर देना है। जैसे आप सभी सर्विसों को स्टार्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको जो फिर से अपने आधार सॉफ्टवेयर जो है उस पर आपको जो है डबल क्लिक करके आपको जो है ओपन कर लेना है। देख पाएंगे हमारा जो नए वर्जन की जगह हमारे पर 167-1 यहाँ पर आपका हमारा जो है पुराना वर्जन यहाँ पर अब रिप्लेस हो गया। उसके बाद अगर ओपन नहीं होता है तो फिर से दोबारा आपको जो है यहाँ पर आप फिर से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको
सक्सेस होगा, आपको थोड़ा वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ऑपरेटर आईडी डाल देना है और नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है अपने आधार को। यहाँ पर लॉगिन कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पर आईडी कर लेंगे और ऑपरेटर आईडी और रिज्यूम पासवर्ड डालकर यहाँ पर आपको जो है लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आपको जो है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो है फिर से यहीं पर आपको, जैसे आप लॉगिन करेंगे, आपको जो पुराना हुई श्रिंक यहाँ पर सिम ऑपरेटर डिटेल यहाँ पर बोलेगा। आपको फिर से यहाँ पर श्रिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको हो सकता है यहाँ पर दो तीन बार में आपको जो है वही पहले वाला जो एरर शो कर रहा है फिर शो करेगा। बट यहाँ पर कभी कभी होता है कि यहाँ पर आपको जो पुराना जो एरर शो करते हैं वहीं पर यहाँ पर शो करते हैं। बट यहाँ मेरा जो है क्लिक करने के बाद आपको जो है इस प्रकार से आपको जो जो एरर शो कर रहा था वहाँ यहाँ पर शो नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको पूरा जो डिटेल शो करेगा, उसके बाद यहाँ पर ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो है इस प्रकार से आपको आपको जो बायोमेट्रिक और आपको जो है जो ओटीपी जाएगा उसको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपको जो ओटीपी डाल देना है और बायोमेट्रिक जो है यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। जैसे आप बायोमेट्रिक कैप्चर कर लेना और ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर आपको जो है सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो जाएगा। हो सकता है कभी कभी यहाँ पर पहली बार में वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो आपको दूसरी बार फिर से ट्राई करके देखना है। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। होने के बाद यहाँ पर आपको जो है चेक कर लेना है यहाँ पर अपने पोर्टल को कि ओपन हो रहा है कि नहीं, तो देख पाएंगे हमारा जो पोर्टल ओपन हो रहा है। उसके बाद आपको जो फिर से यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको जो अपने पोर्टल को फिर से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर आपको जो क्लोज कर देने के बाद आपको जो है फिर से अपने सर्विस पे चले जाना है। सर्विस पे जाने के बाद आपको जो है जितने भी फिर से आधार सर्विस हैं, यहाँ पर आपको जो है जितने भी अपने आधार सर्विस हैं उन सभी सर्विसों को फिर से आपको जो है स्टॉप कर देना है। सभी सर्विसों को आपको जो है फिर से स्टॉप कर देना है। देख पाएंगे हम सभी सर्विसों को स्टॉप कर देना है। स्टॉप कर देने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, आपने एक बार आपको जो है पूरा चेक कर लेना है कि सभी स्टॉप हुए कि नहीं। उसके बाद आपको जो है अपने आधार सॉफ्टवेयर पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे बाद राइट क्लिक करने के बाद आपको जो ओपन फाइल लोकेशन है उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर फिर से आपको जो वही ओपन होगा उस पर आपको जो फिर से सीड वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो पुराना वर्जन है उसकी जगह आपको जो फिर से नए वर्जन पे आपको जो है राइट क्लिक कर देना है। नए वर्जन पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टेट आल पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो है फिर से वही यहाँ पर टॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर आपको जो ब्राउजर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर यू आई डी ऑथोरिटी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो है आधार इनरोलमेंट क्लाइंट है उस पर आपको जो है सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो है नया टॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे आपको जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको जो है पुराने वर्जन के ऊपर में आपको जो है नया 180.180-1 यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो पुराने वर्जन के ऊपर में नया वर्जन यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है कम्प्लीट होने के बाद नया वर्जन एक्सट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर क्लोज कर देंगे, और उसके बाद फिर से अपने सभी आधार सर्विसों को यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर आपको जो है सभी आधार सर्विसों को यहाँ पर आपको जो है स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो है अपने आधार सॉफ्टवेयर को फिर से ओपन कर लेना है। हो सकता है पहली बार ओपन करेंगे तो यहाँ पर नया वर्जन अपडेट करने के बाद ओपन करेंगे तो यहाँ क्लोज हो जाता है, तो आपको जो फिर से यहाँ पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर फिर से आपको जो है ऑपरेटर आईडी डाल देना है और नेक्स्ट कर देना है और लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटर आईडी डाले, नेक्स्ट किए। यहाँ पर आपको जो है फिर से हम ऑपरेटर आईडी और रिज्यूम पासवर्ड और आईडी से वेरिफिकेशन करके हम यहाँ पर लॉगिन कर देते हैं। आपको फिर भी लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम शो कर रहा था, जो सिंक्रोनाइजिंग वाला प्रॉब्लम शो कर रहे थे, यहाँ पर देख पाएंगे इस प्रकार से क्लियर हो जाएगा। अगर